आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 111वें संस्करण का श्रवण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बाग मुगलिया स्थित विवेकानंद सामुदायिक भवन परिसर में किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हम हिस्सा बन रहे हैं। आगामी समय में हम प्रदेश में अभियान के अंतर्गत लगभग 5.5 करोड़ पौध रोपण करने वाले हैं। 6 जुलाई को भोपाल में लगभग 12 लाख पौधे रोपे जाएंगे। आप सभी से अपील है कि इस अभियान से जुड़ें और अपने परिजन के साथ पौधरोपण करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने भोपाल स्थित कुशभाऊ ठाकरे सभागार में पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पहल कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन व नदियों के पवित्र जल को कलश में भरकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बड़े पैमाने पर नदियों का जल लोगों की जिंदगी में काम आए, उससे बदलाव आए। पार्वती काली सिंध चंबल नदियों का पानी दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए कैसे उपयोग हो, इसके लिए हमने आज एक बड़ा MOU किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पानी की एक एक बूंद मध्य प्रदेश और राजस्थान के विकास के काम में आने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं राजस्थान की मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने भोपाल में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इस परियोजना का MOU साइन हुआ है, इससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करने वाले हैं। इस परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कल 1 जुलाई का दिन पूरे देश और मध्य प्रदेश के लिए विशेष दिन रहने वाला है। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और CRPC के नियम बदल कर नए कानून लागू होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार अक्षरशः इन नियमों का पालन करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य में RTO के सभी चेक पोस्ट पर अव्यवस्थाओं को दूर कर बेहतर प्रबंधन किए जा रहे हैं। आज समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में 5 से 30 जून की अवधि में चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों और कार्यों की प्रगति का विवरण प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का मध्य प्रदेश की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बाग मुगलिया स्थित विवेकानंद सामुदायिक भवन परिसर में पौधरोपण किया।